बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु क्रिएटेड अ मैन विद क्लॉट ऑफ ब्लड। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशम की इस्लामियत पढ़ने जा रहे हैं और उसका उनवान है हकूकुल इबाद। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबक हकूकुल इबाद का सवाल नंबर 5 करेंगे, ठीक है। सब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 5, हकूकुल इबाद की अहमियत पर एक पैरा तहरीर करें। सवाल नंबर 5 है, हकूकुल इबाद की अहमियत पर एक पैरा तहरीर करें। जवाब, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा सबसे करीबी ताल्लुक वालदैन, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों, पड़ोसियों, असातज़ा और दोस्तों से होता है। प्यारे बच्चों, ये हम हकूकुल इबाद की बात कर रहे हैं जो कि इंसानों के हकूक होते हैं, ठीक है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा सबसे करीबी ताल्लुक वालदैन, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों, पड़ोसियों, असातज़ा और दोस्तों से होता है। ये सब लोग हमारे अच्छे रवैये के हकदार हैं। सब इंसानों से अच्छे सलूक और हमदर्दी के रवैये की बेहद अहमियत है। मतलब सब लोग हमारे अच्छे रवैये के हकदार हैं और उन सब से हमें बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से सबके हकूक मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला ने सबके हकूक जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं, जिन्हें हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, सब लोग हमारे अच्छे बिहेवियर के हकदार होते हैं। हमें भी चाहिए कि सबके साथ अच्छे रवैये से पेश आएँ, हमदर्दी का रवैया अपनाएँ, नरमी से पेश आएँ, रहमदिली का मुजाहरा करें, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबके हकूक मुकर्रर कर दिए हैं, जिन्हें हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक कहा जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपकी डायरी है सबक हकूकुल इबाद, सवाल नंबर 5 याद करें। और प्यारे बच्चों, आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको विंटर पैक स्कूल में सबमिट करवाने की 9 जनवरी की डेट दी गई है, तो अपने विंटर पैक को जल्दी से सॉल्व कीजिए, कंप्लीट कीजिए और स्कूल में 9 जनवरी से पहले पहले स्कूल में सबमिट करवा दीजिए, ठीक है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।